हाय एवरीवन माय नेम इज दीपक गुप्ता इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट नेम मेथड राइट सो मल्टी थ्रीडिंग चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टार्ट मेथड रन मेथड क्या होता है विथ एग्जांपल हमने कवर किया था राइट right? सो अगर जहां आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो देख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू राइट चलिए गेट नेम मेथड पहले थर्टिकल बात करते हैं देन प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे देखो गेट नेम मेथड को यूज करते हैं थ्रेड का नेम को प्रिंट करने के लिए ठीक है ना और गेट नेम मेथड जो होता है बेसिकली फाइनल मेथड होता है जो थ्रेड क्लास के अंदर प्री डिफाइंड मेथड है ठीक है ना वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है गेट नेम मेथड इज अ पार्ट ऑफ द थ्रेड क्लास एंड इट इज यूज टू रिट्राइव द नेम ऑफ द थ्रेड क्लियर है अमाइंड

बेसिकली थ्रेटिकल समझ के प्रैक्टिकल करते हैं मैं एक फाइल क्रिएट कर लिया हूँ थ्रेड डॉट जावा तो मैं इसका टी एच डॉट जावा दे सकते हो थ्रेड या टी एच दे दो कुछ भी तो और मैंने यहाँ पे क्लास बना लिया माई थ्रेड एक्सटेंस करेंगे इसको थ्रेड क्लास को ठीक है ना चलिए इसके अंदर हमारा मैं मेथड एक बना देता हूँ यहाँ पे पब्लिक वाइड रन और रन मेथड आपका प्रीडिफाइंड मेथड है ऑलरेडी मैं बता रखा हूं आपको प्रीवियस वीडियो में ठीक है देन सिस्टम डॉट डॉट आउट प्रिंट जस्ट पे एक मैसेज दे देता यूज़र थ्रेड सिंपल सा ठीक है देन इसको क्लोज करो यस yes. चलो इसके बाद मेन मेथड ऑब्जेक्ट क्रिएट करो माई थ्रेड का टी वन इक्वल टू न्यू ठीक है अब यहां पे मैंने T1 वन डॉट स्टार्ट लिखा क्लियर डन अब आपको पता है जावा के अंदर जो भी प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं हर एक प्रोग्राम में एक थ्रेड होता है क्लियर है ना हर एक प्रोग्राम में याद रखो ठीक है तो थ्रेड का नेम जो हर एक प्रोग्राम में थ्रेड होता है उस थ्रेड का नेम क्या होता है उस थ्रेड का नेम होता है आपका मेन थ्रेड मेन थ्रेड जो जेबीएम क्रिएट करता है क्लियर है पॉइंट मेन थ्रेड सो ये आपका मेन थ्रेड है अब यहाँ पे भी देखो एक थ्रेड हमने बनाया क्लियर है प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टी वन डॉट स्टार्ट लिखा तो एक और थ्रेड क्रिएट हो गया क्लियर है तो ये थ्रेड का नेम और इस थ्रेड का जो नेम मेन है आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि इसका नेम मेन ही है उसके लिए ही गेट नेम मेथड यूज होता है क्लियर है पॉइंट चलिए हम देखते हैं पहले करेंट थ्रेड का नेम पता करके करेंट मतलब मेन थ्रेड इसका ठीक है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखना है आपको और यहां लिखना है थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड करेंट थ्रेड ठीक है करेंट थ्रेड आपको पता है थ्रेड क्लास है करेंट थ्रेड स्टार्टिंग मेथड क्लियर है एंड देन इसके साथ लिखो गेट मेथड ठीक है तो ये क्या करेगा भाई करेंट थ्रेड करेंट मतलब ये मेन थ्रेड ये तो आपका नेम ये जो नेम है ना मेन थ्रेड ये बता देगा किसका जो नेम है मेन है क्लियर है चलिए देखते हैं कंपाइल compile करके कंपाइलर ओपन कर लिया मेरा जो प्रोग्राम है डेस्कटॉप पे है तो सी डी डेस्कटॉप पे चले जाता हूं सबसे पहले देन सी डी जावा नाम का फोल्डर जावासी टी एच डॉट जावा फाइल का नेम है मेरा माई थ्रेड तो देखिए यहाँ पे मेन आ रहा है और ये तो हमने स्टार्ट किया ये वाला आपका मैसेज आ रहा है क्लियर पॉइंट तो ये करेंट थ्रेड का नेम मेन है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं वी कैन प्रोवाइड अ अनदर नेम आल्सो वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोस ठीक है तो आपको ये पता लग गया कि ये मेन थ्रेड है क्लियर पॉइंट डन ये वाली पार्ट कौन एग्जीक्यूट करता है मेन थ्रेड पार्ट बेसिकली एग्जीक्यूट करता है है ना क्लियर पॉइंट और ये जो है बेसिकली ये जो हमारा थ्रेड क्रिएट हुआ ये थ्रेड का नेम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन टी वन डॉट गेट नेम ठीक है

एंड अगर जहां मैं एक बार और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं, चलिए देखते हैं इसका नेम दे दिया टी टू एंड ठीक है तो रिफरेंस वेरिएबल दोनों का हमने चेंज कर दिया है अलग अलग टी वन एंड टी टू चलिए अब देखना इसका नेम क्या देगा तो मैं यहां से इसको प्रिंट नहीं करवाता हूँ कुछ हटा देता हूं फिलहाल ठीक है सिर्फ मुझे नेम प्रिंट आउट करवाना है प्रिंट करवाना है ठीक है कंपाइल करते हैं कंपाइल्स फाइन ये देखो मेन थ्रेड आ रहा है थ्रेड थ्रेड जीरो क्लियर है पॉइंट तो ये वाला जो बेसिकली है ना ये थ्रेड आपका क्या है जीरो और दोबारा फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने तो हो गया वन क्लियर है पॉइंट तो ये जो आपका मेन थ्रेड है मेन थ्रेड का काम होता है इसको एग्जीक्यूट करना वन वन बाय ठीक है अब मेन थ्रेड के अंदर हमने यहाँ पे एक और थ्रेड बनाया है ठीक है चाइल्ड थ्रेड बोल सकते हो और ये वाला क्या कर रहा है किस ये जो टी वन डॉट स्टार्ट है ये किसको बेसिकली कौन से मैथड को कॉल कर रहा है इस वाले मैथड को यहाँ पे कॉल कर रहा है ना इसका टास्क परफॉर्म करवा रहा है क्लियर है पॉइंट डन आई होप क्लियर है तो ये हो गया आपका थ्रेड जीरो हमने दो बार क्रिएट किया इसका ऑब्जेक्ट तो हो गया ये थ्रेड जीरो एंड थ्रेड वन और आपका ये मेन थ्रेड क्लियर आई होप क्लियर है कि थ्रेड का नेम कैसे फाइंड आउट करना है एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट है आपका एक और हम डिस्कस करेंगे चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड अब मैं यहां पे क्या करता हूं ये तो ऑब्जेक्ट हटा देता हूं देन ये भी चीजें हटा देता हूं मैं यहाँ पे अभी फाइंड आउट करता हूं कि इसका करेंट नेम क्या है ठीक है जैसे इसका करेंट हमने यहाँ पे क्या किया थ्रेड डॉट है तो बेसिकली ये हमने यूज uh, बेसिकली uh, uh, लिखा तो क्या आया मेन इसका नेम क्या प्रिंट हुआ मेन क्लियर है ना तो चलिए अब यहाँ पे मैं एज एट इज ये कोड लिखता हूं देखो इसको मैं यहाँ से कॉपी किया एज एट इज मैं यहाँ जाके राइट कर दिया क्लियर है अब मैं फिर से कंपाइल करता हूं तो देखना क्या आता है आपका देखो यार थ्रेड ये आपका मेन आ रहा है ये थ्रेड जीरो आ रहा है क्लियर पॉइंट तो मेन जब मैं यहाँ पे मेन मेथड के अंदर प्रिंट करा रहा हूं तो इसका नेम मेन बता रहा है जब यही चीजें मैं यहां पे यूज बेसिकली रन मेथड के अंदर मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूं ये वाली बेसिकली कोड को तो क्या आ रहा है आपका यहाँ पे आ रहा है आपका थ्रेड जीरो थ्रेड जीरो

Clear है और मेन मेथड कौन क्रिएट करता है ठीक ठीक है 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 ना ना और और के अंदर एक और यहां पे हमने बनाया है, ना? तो ये child thread है, जो कि जो है उसने क्रिएट किया क्लियर पॉइंट एंड देन ये वाला जो है बेसिकली ये वाला कोड ये वाला टास्क परफॉर्म कर रहा है क्लियर डेन तो ये है आपका गेट नेम मेथड का यूज क्लियर है ये सब इंटरव्यू में पूछा गया है ठीक है इसको नोट कर लो नोट करके आप प्रैक्टिकल करो प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ठीक है ना इसको नोट कर लो नोट करके प्रैक्टिकल करो एंड लाइक like करो कमेंट करो सब्सक्राइब uh, करो शेयर करो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो थैंक यू बाय